YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना ब्रजेश जादव हूं। पेन कॉपी निकाल लीजिए। आज हम 2019 में आए हुए विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2019 को खोलते हैं, क्या क्या क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। और ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फोर्थ पार्ट है। 2019 में क्या क्वेश्चन आया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। में वापस एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा डेफिनेशन मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताई है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट सेकंड में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है भाई, गणना बोर्ड के लिए जो मैं बता रहा हूं वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट कर लेना। 2024 बोर्ड के लिए ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दूसरी वाली परिभाषा सम विभव पृष्ठ चैप्टर नंबर थर्ड की है, दैट मीन्स यूनिट नंबर सेकेंड की है। क्वेश्चन आता है स्थिर वैद्युत की के लिए गौस का नियम लिखिए। चलो गौस के नियम तो मैंने बता दिया है आपको, वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल पर जाकर विजिट करें, वहां से आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको गौस का लॉ भी मिल जाएगा। आगे कह रहा है, एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक कुचालक परत पर चादर, कोई कुचालक परत है इसको अपन चादर भी बोल सकते हैं, के कारण इसके नजदीक मतलब प्लेट के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। मतलब डेरिवेशन करना है, ये सीधा सीधा से बोल रहा है डेरिवेशन करना है, ठीक है, और चित्र भी बनाना है। अब ये पहला वाला क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे किसे डिवाइड किया गया है? तो ये जो लॉ है गॉस का नियम, ये आपका आधे नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो डेरिवेशन है वो आपका यहां से एक नंबर का है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो ये आपका बनेगा एक नंबर का। फिर उसके बाद में चित्र बनाना है इसका, वापस चित्र बनाना है, वो कितने नंबर का है आपका? डेढ़ नंबर का है, 1/2 का है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है आपका वो वापस से एक नंबर का, तो ये चार नंबर का होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में, थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं इसकी, अपन इंग्लिश देख लेते हैं। राइट द स्टेट ऑफ कूलम्ब, वापस से रिपीट हो रहा है इंग्लिश में, हमारे बच्चे ध्यान से देखे, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है, ढंग से याद कर लें। गॉस लॉ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, एकदम पक्का आएगा ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली, ढंग से पढ़ना है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग, ढंग से पढ़ना, नॉन कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका डेरिवेशन ऑफ फाइनल आंसर आने वाला है। सीट एट ए पॉइंट नियर टू इट ड्रॉ सूटेबल डायग्राम, डायग्राम नहीं बनाएंगे अपन अभी, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम सेडेड रीजन इन ए गिवन डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन अपन बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, गॉस लॉ तुमको पता है, अब आगे से डेरिवेशन कर लेते हैं। चलो एक प्लेट है हमारे पास, इस तरह से प्लेट है, इस प्लेट पर हर जगह पॉजिटिव चार्ज, हर जगह पॉजिटिव
जो चार डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कह रहा है चादर या प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट को हम गाउस लॉ के लिए यूज में ले रहे हैं। तो गाउस के एप्लीकेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेते हैं, सिलेंडर ले लिया और इससे इसके चार्ज को इनक्लोज कर दिया अर्थात बंद कर दिया, चार्ज यहां पर फंस गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके पास तीन एरिया, एक तो एस वन ये हो गया, दूसरा वाला एस टू एरिया ये हो गया और तीसरा वाला यहां पर हो गया एस थ्री। अब यहां पर एक चीज देखने के लिए मिलेगी आपको, यह एरिया रेफर जो मिलेगा वो आपको ऊपर मिलेगा, इसको कहेंगे अपन डी एस। ठीक है, एस वन के लिए एरिया वेक्टर आपको इधर मिलेगा, एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर। एस थ्री के लिए डी एस वेक्टर इधर मिलेगा, आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एस वन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी एस, डी एस की दिशा में मिलेगा। यहां देखें तो आपको डी एस वेक्टर की परपेंडिकुलर ई वेक्टर मिलेगा, बस हमको थीटा का ध्यान रखना है ना। और इस वाले में भी आपको डी एस वेक्टर आपको किस तरीके से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस थ्री के लिए अलोंग द डी एस हो जाएगा। ये जो देख रहे हो मिड पॉइंट, यहां से ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये वाली भी स्मॉल आर हो जाएगी, दैट मीन टोटल हो जाएगी आपकी आर प्लस आर टू आर। सबसे पहले अपन डेरिवेशन कर चलते हैं, सबसे पहले अपन को पढ़ना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको बोला जाता है सिग्मा, सिग्मा होता है क्यू अपॉन एस, तो यहां से क्यू बन जाएगा सिग्मा इंटू एस। अब क्यू को कहीं ना कहीं पकड़ना पड़ेगा, तो अपन पढ़ते हैं गाउस लॉ से, फ्रॉम गाउस लॉ, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। देखो गाउस का नियम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एस एन अकाउंट, क्योंकि वैल्यू को यहां पुट करोगे तो फाई कितना हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एस एन अकाउंट। एक तो ये वाली इक्वेशन याद रखनी है आपको। अब ये कह रहा है कि ये वाला भी सरफेस है, ये वाला भी सरफेस है, ये वाला सरफेस भी है, ये वाला, ये वाला एस वन एस टू एस थ्री तीनों से निकलने वाला नेट फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है। तो एक फाई का फॉर्मूला और आएगा, नेट फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस, बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत, निर्गत का मीन्स होता है निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। फॉर्मूला आएगा फाई, क्लोज इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा और लगा दो वेक्टर फॉर्म। जब इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट कौन कौन से, एस वन एस टू और एस थ्री, तो तीनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो इसको ओपन करोगे तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये एस टू एस वन, और तीसरा वाला हो जाएगा ई डॉट डी एस एस थ्री। ठीक है, तो यहां से इसको निकालते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए एस वन थीटा कितना है, थीटा कितना है एस वन में, कितना है जीरो डिग्री, एस टू में कितना है 90 डिग्री, और एस थ्री में चेक कर लेते हैं वहां हाथों हाथ जीरो डिग्री, एस टू में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, एस वन में थीटा जीरो है, एस टू में 90 है, और एस थ्री में वापस से कितना है जीरो डिग्री। चलो अब थोड़ा सा इसको अंदर कर देते हैं, हमारे पास जगह की कमी है, चलो
ठीक है ओके। फाइ इक्वल टू यहां देखो खोलेंगे तो क्या बनेगा ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन लगाया आपने प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा एस वन एस टू एस थ्री एस पर मैंने थीटा कितना है जीरो कोस जीरो कितना होता है वन होता है तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा ई डी एस प्लस एस टू थीटा 90 कोस 90 कितना हो जाएगा पूरा जीरो अगर ये जीरो है तो पूरा वाला क्या हो जाएगा जीरो ई डी एस से मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा जीरो तीसरे वाले थीटा कितना है जीरो थीटा जीरो कोस जीरो कितना होता है वन तो यहां से क्या आएगा ई डी एस ठीक है फाइ इक्वल टू ई डी एस ई को बाहर निकाला डी एस प्लस ई को वापस से बाहर निकाला डी एस फाइ इक्वल टू अब डीएस का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा भैया एस ई एस टोटल कितना हो जाएगा टू ई एस अब आपके पास फाइव के दो फॉर्मूले आए हैं फाइव इक्वल टू आया सिग्मा एस अपन एप्सिलॉन नॉट फाइव आया है टू ई एस दोनों कंपेयर कर देते हैं तुलना कर देते हैं ठीक है इक्वल कर देते हैं तो यहां से क्या आएगा सिग्मा एस अपन एप्सिलॉन नॉट यहां से क्या आएगा टू ई एस एस से एस क्या हो जाएगा एस से एस क्या हो जाएगा कैंसल तो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जो टू जो है वो ई के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ जाएंगे तो आंसर क्या आएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसीलिए एक क्वेश्चन और था हमारा दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र जिसमें छायांकित है शेडो वाला एरिया है परिणामी विद्युत फ्लक्स की गणना करें या कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड रीजन इन द गिवन डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो शेडेड रीजन है उसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये आ गया अपन डायग्राम पर क्या फाइंड करना है फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स निकालेंगे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला होता है गाउस लॉ से आता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन सबसे पहले सिग्मा क्यू निकालो सिग्मा क्यू कैसे निकालोगे पहले ये वाला एरिया देखो ये वाला एरिया इसमें कौन कौन चार्ज है दे रखा है प्लस टू माइक्रोकूलम लिख दो प्लस टू माइक्रोकूलम प्लस लगाओ दूसरा वाला क्या है ये है माइनस वन जब माइनस वन का मल्टीप्लाई माइक्रोकूलम से करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस वन माइक्रोकूलम जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो सिग्मा क्यू कितना आएगा टू माइक्रोकूलम माइनस वन माइक्रोकूलम अब मुझे बताइए टू माइक्रोकूलम को आप सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे वन माइक्रोकूलम से कितना आंसर आएगा वन माइक्रोकूलम तो ये किसकी आई है सिग्मा क्यू की अब सिग्मा क्यू हमारे पास आ चुका है क्या निकाल सकते हैं अपन फाइव फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है वन माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 into 10 to the power minus 12 तो वैल्यू कुछ करें 8.85 into 10 to the power minus 12 अब कैसे काटते हैं बेटा याद है ना मैंने बहुत पहले बताया माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6